या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 392। तब है जिंदा बुलावा, हम हमारा पूरी पावा, शापीर का दीदार तुम चेत मन मेरा। मौलाना हजर इमाम से सलवात पढ़ो जिंदा रहो, अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु मुहम्मद व आल मुहम्मद। अरबी जबान के अंदर गत को जमात कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाहु मा जमात, अल्लाह है वो जमात के साथ है। रसूल पाक से पूछा, या नबी कितने आदमियों की जमात होती है? फरमाया, दो आदमियों से, एक से ज्यादा, कभी दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, दो आदमी हो में वो भी जमात है। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि कभी किसी ऐसे छोटे जगह के ऊपर, कोई गांव में, जंगल में एक ही इस्माइली फैमिली रहती है, अपने घर के अंदर एक कोने में कभी दूसरा रूम नहीं है तो एक कोने के अंदर वहां मेरी फोटो लटका दो, एक छोटा सा पाठ रख दो, तस्बीह लगा दो, इस जगह को जमात खाने के तौर पर उपयोग में लाओ और कोई दूसरा काम इस जगह पे बैठ के नहीं करना। हर रोज शाम को तुम सारी फैमिली इकट्ठी हो, बाप मुखी बने, घरवाली उसकी चामड़िया हो गए, बच्चों की माँ और बच्चे जमात हैं। मौला फरमाया कि जैसा बड़ा जमात खाना है इस तरह से ये छोटा जमात खाना, दर्जे में दोनों तरीके हैं, ये तुम्हारा जमात खाना है, ये तुम्हारी गत है। गत में बड़ी ताकत है। हमको हमारी जमात की हालत का ख्याल नहीं कि जमात का मतलब क्या, गत का मतलब क्या। मैंने आपको परसों बैत के ऊपर आवाज सुनाई, मैं दरजा बदरजा आपको चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको वापस जाना न पड़े। और आज ये इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे मजहब में है, उनमें से एक ये जमात है, जमात खाना है, जिसको हम गत कहते हैं। गत के अंदर तीर से ज्यादा शक्ति मौला ने दी हुई है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तीर की जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत गत की है। हमारे पास आज मौला है, उसके पास साहिबी और पीरी दोनों जौमे हैं। साहिबी जौमा जिसको हम इमाम कहते हैं, वो अल्लाह का नूर है और उसमें अल्लाह की ताकत है, जैसे मौला अली, और हाजिर इमाम वही मौला अली है। पीर होता है वो नबी के तौर पे है, और पीर को इमाम अपॉइंट करता है अपनी फैमिली में से, जमात में से, जमात के आदमियों में से। कभी भी पीरी जोत जीवन में नहीं मिल सकती। अलबत्ता कोई आदमी बहुत बड़ी इबादत, खिदमत, सेवा करे और इमाम को मंजूर हो जावे तो मौत के बाद उसको पीरी दर्जा मौला दे सकता है, उसकी मर्जी होवे तो। जैसे कि पीर सब्जली मिशनरी थे, उनको पीरी की जमा, पीरी जोत या पीरी दर्जा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने दिया। और इमाम ने फरमाया जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई रिक्रिएशन क्लब के हॉल में उसकी फोटो की, इमाम फरमाया कि इसने बहुत खिदमत की मेरी और जमातों की, मैं इसको पीर का दर्जा देता हूं, तुम भी ऐसी खिदमत करके पीर के दर्जे को पहुंच सकते हो मगर मौत के बाद। जिंदगी में, जीवन में किसी भी मुरीद को पीर का दर्जा नहीं मिल सकता। जैसे कि जूनागढ़ के वजीर इस्माइल गांधी, उसको अली शाह महबूब ने पीर का दर्जा दिया और वो भी मरने के बाद। लेकिन जीवन के अंदर जो पीर की जोत है
वो इमाम अपनी फैमिली में से किसी एक को देता है। हमारे जितने भी पीर हैं आज तलक, मौलाना हाजर इमाम तलक 63 पीर हुए, 49वां पीर हम अपनी लिस्ट के अंदर मानते हैं, लेकिन 49 पीर किस तरह से हुए कि हमारे पीरों ने, बहुत से ऐसे पीर थे कि जिनके नाम लिखे नहीं, क्योंकि वो इमामों के जौमे में 7 इमाम ही थे, जैसे कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह, जैसे कि मौलाना हसर इमाम, साहिबी जोत, पीरी जोत सब 7 है। मौलाना हसन हमारे दूसरे पीर, अव्वल पीर नबी मोहम्मद, पीर हसन, पीर कासिम शाह, पीर जाफर शाह, पीर जैनुल आबदीन, अब इमाम जैनुल आबदीन जब छोटे थे, इमाम नहीं बने तो उनके पास पीरी जौमा था, और उनके बाद मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो थे वो भी बाद में इमाम बने, मगर इमाम बनने से पहले उनके पास पीरी जौमा था। इसी तरह से मौलाना जाफर सादक जो थे वो भी अपने बाप के पीर थे, मगर जिस वक्त बाप की वफात हुई तो इमामत का जौमा भी उनके पास मिल गया, और उसके बाद सीधा सतगुर नूर के ऊपर नाम आ गया, तो मौलाना जाफर सादक से लेके सतगुर नूर तलक 18वें इमाम मुस्तनसर बिल्ला ने पीर सतगुर नूर को हिंदुस्तान में भेजा, तो 5वें इमाम के बाद 18वें इमाम के बीच में यानी 13 इमाम का वारा निकल गया, तो क्या कोई पीर नहीं था? था, पीर के बगैर ये दुनिया नहीं रह सकती, जिस तरह इमाम के बगैर एक पलक भी यह दुनिया नहीं रह सकती, और जहां इमाम होता है पीरी जोत 7 होती है। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या सिखाया, क्या सिखाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। बस अगर कोई आदमी इतना कह देवे ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या वो मुसलमान हो जाता है? नहीं होता। एक अल्लाह को मानने पर भी कोई मुसलमान मुसलमान नहीं होता जब तक के वो मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहे अशहदुन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात का डिक्लेरेशन करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, और वह अशहदुन मोहम्मदन रसूलुल्लाह, और मैं ये भी डिक्लेरेशन करता हूं कि मोहम्मद है वह अल्लाह का रसूल है। जब तक के ये कलमा कंप्लीट पूरा इस तरह से नहीं होता तब तलक वो आदमी मुसलमान नहीं। यानी अल्लाह और रसूल, अल्लाह और रसूल, कुरान खोलो, 6,500 आयतों के अंदर मेजोरिटी जगह जहां भी अल्लाह का जिक्र आया रसूल का जिक्र साथ है, जहां रसूल का जिक्र आया अल्लाह का जिक्र साथ है, कितनी आयतों के अंदर है। अय मोमिनो, या अय्युहल लदीन आमनो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह और रसूल की इबादत करो यानी ताबेदारी करो। अब्दियत, इबादत का जो लफ्ज है वो अब्द से निकला, और अब्द कहते हैं गुलाम को, इबादत का मतलब गुलामी, इबादत का मतलब फरमान बरदारी, ताबेदारी। अय मोमिनो, ईमानदारो, अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करो, उसकी गुलामी करो, इसी का नाम सरातुल मुस्तकीम है। जगह जगह दुनिया भर के 80 करोड़ मुसलमान, कोई भी फिरके का हो, कोई भी स्कूल का हो, लेकिन उसकी नमाज पूरी नहीं हो सकती जब तक के वो रसूल को नमाज के अंदर शामिल नहीं करे, उसकी नमाज जायज नहीं। अल्लाह रसूल, इसी को हम शाह पीर कहते हैं, इसी को हम इमाम और पीर कहते हैं। ये अल्लाह रसूल की जोत, शाह पीर की जोत है। पीरी जौमे को समझना बहुत जरूरी है, जितना इमाम को समझना हमारे लिए जरूरी है, इसी तरह से पीर को समझना भी जरूरी है। कारण के पीर जे प्रसादे मोमन पाया, ये नाम है, पीर की तुफैल से हमको इमाम मिला है। मौलाना हसन अली शमाबाब सल्वातुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए, मौलाना अबुल हसन शाह थोड़े वक्त के लिए लाहौर तक आए थे, नादिर शाह दुर्रानी ने ईरान से जब हिंदुस्तान पे हमला किया 150 बरस बाद पहले, तो नादिर शाह दुर्रानी मौलाना इमाम अबुल हसन शाह को यानी हसन अली शाह माँ बाप के दादा को, शाह खलीलुल्लाह के बाप को अपने साथ हिंदुस्तान लेके आया। लाहौर तक
जब ये पहुंचा लाहौर के किले को उसने पता नहीं किया, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, एक महीना निकल गया, घबराने लगा। नादिर शाह उसका लश्कर इतना तेज था कि कोई भी किला कैसा भी मुश्किल होवे वो तीन चार दिन से ज्यादा नहीं लगाता था। लाहौर का किला महीना निकल गया फतेह नहीं होवे और उसकी जो लश्कर थे लश्कर की बेदिली हो गई, गड़बड़ होने लगी, बड़ा घबराया। मौला के पास एक दिन सुबह कैंप में गया। नादिर शाह दुर्रानी ईरान का शानिका नंगे पांव जूते बूते पहने बगैर दरवाजे के बाहर तंबू के बाहर खड़ा रहा और दरबान को कहा, गुलाम को अंदर मौला को कहो मैं आया हूँ मिलने के लिए। मौला आराम फरमाते थे, जैसा सुना बोले अच्छा आओ। सरकार लेटे लेटे और उसने खड़े खड़े अदब किया, कहता है या सैयदना, यानी ऐ मेरे मालिक, मेरे लिए मुसीबत आ गई, एक महीना हुआ लाहौर का किला पता नहीं होता, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे लिए मरने जैसा है कि अगर मैं लाहौर पता न कर सकूं। मौला ने हंस के फरमाया, तीन दिन ठहर जा, उसके बाद हमला करना, इंशाल्लाह तुम्हारी फतह होगी। जमात की ताकत का मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये लाहौर का वाकया है और खुद मेरी फैमिली की हाथ से लिखी हुई जो तवारीख है मेरे दादाओं की, उसके अंदर ये मेरे दादा का जिक्र है। मौलाना अबुल हसन शाह, उन्होंने सिंधी भाषा में खोजकी में एक फरमान लिखा, हिंदुस्तान की जमात के ऊपर खुद इमाम हिंदुस्तान में पहली दफा आए मौलाना अबुल हसन शाह, फरमान लिखा, हे जमात, तुम लोग तस्बीह निकालते हो कि या मौला लाहौर नू रख ले, पंजाबी जबान में, या मौला लाहौर नू रख ले। लाहौर के ऊपर जब हमला हुआ और उसको उन्होंने मुहासरा किया, लश्कर नादिर शाह का आ गया, किले वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, जमात को तकलीफ तो हो गए ना। जमात ने तस्बीह निकाली, 100-150 आदमी की जमात थी और वो भी गुप्ती जमात थी। हम लोग पंजाब में 1,00,000 से ऊपर गुप्ती थे। 1918 में हमको हाजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में फरमाया कि अभी तुम खुले मुसलमान हो जाओ, नहीं तो 1918 तक हम पंजाब के जो इस्माइली थे अपने मुर्दों को जलाते थे, हिंदू नाम रखते थे, शादियों में ब्राह्मण आते थे और सब जाहिर में बिल्कुल हिंदू को पता नहीं लगता था, लेकिन अंदर हम इस्माइली मजहब पालते थे। या मौला जमात को रख ले, ये तस्बीह निकलती थी। मौला ने ताली का लिखा, है जमात, तुम जो ये तस्बीह निकालते हो या मौला जमात नू रख ले, इसकी जगह तुम ये तस्बीह निकाल, या मौला लाहौर नू रख ले, इसकी जगह तुम ये तस्बीह निकालो, या मौला जमात नू रख ले, यानी जमात को बचा ले। तीर नीचे मोहर लगाई अपनी, साइन किया सरकार ने, तीर के अंदर चिट्ठी को डाल के मौला ने तीर मारा, जमात खाने के ऊपर तीर आके गिरा, 2 स्टोरी का जमात खाना, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जमात खाना, उसके ऊपर बैतुल ख्याल की बंगली और उसके ऊपर छत थी। 9:30 बजे जमात भाई ऊपर साफ सफाई करने के लिए गया तो देखा कि एक तीर पड़ा है, उसके साथ एक चिट्ठी पड़ी है, लड़ाई का वक्त था। तीर देख के घबरा गया, जल्दी से नीचे उतरा, भाग के गया मुखी की दुकान पे, मुखी साहब आप जल्दी मेरे साथ चलो, है क्या, यहाँ नहीं बोलूंगा, जल्दी मेरे साथ चलो। मुखी साहब आए जमात खाने में, घबराया घबराया ऊपर ले गया, मुखी ने भी तीर देखा तो जरा दिल धड़कने लगा कि ये तीर यहाँ आया कैसे। उसको बोला जल्दी से जाओ, फलाने फलाने को कामड़िया है, अमलदार है, ये जमात के आगेवान बुजुर्ग लोग थे, सबको इकट्ठा किया, तीर के साथ लगी हुई चिट्ठी खोली, पढ़ा तो खोजकी के अंदर, खोजकी हमारी खुद की पर्सनल भाषा है, खोजकी इस्माइली कैरेक्टर है लैंग्वेज का, और दुनिया के अंदर खोजे के सिवा इस्माइली के सिवा खोजकी कोई नहीं जानता। खोजकी के अंदर लिखा हुआ मौलाना अबुल हसन शाह की साइन और मोहर लगी हुई अंगूठी थी। आंखों को लगाया, सिर के ऊपर उठाया, जमात में खड़े होके इमाम का ताली का फिर पड़ा एक दफा,
दिल थोड़े खुश हो गए, दिल को थोड़ा सजियारा मिला, वापस तालिका पड़ा और सचमुच जमात यही तस्बीह निकालती थी, या मौला तू लाहौर को रख ले, यानी लाहौर को बचा ले। मौला ने कहा आज से तुम ये दुआ मांगो, या मौला जमात को रख ले, यानी जमात को बचा ले। मौला तो सुनने के लिए नहीं आए थे, मौला तो दुश्मन के लश्कर के अंदर थे, मौला तो नादिरशाह के साथ थे, जमात को मालूम भी नहीं था कि मौला आए हुए हैं यहाँ। रात को जमात ने तस्बीह चेंज कर दी, या मौला तू जमात को बचा ले, या मौला तू जमात को बचा ले। तीन दिन तस्बीह निकल गई, चौथे दिन सुबह नादिरशाह को मौला ने कहा अब हमला करो। हमला किया, तीन घंटे में लाहौर का किला टूट गया, लेकिन वादा किया था कत्लेआम मत करना, और सचमुच लाहौर में कत्लेआम नहीं किया, एक आदमी का खून नहीं बहाया उसने, सिर्फ वही जो लड़ाई के वक्त जो लड़े लड़े अंदर दाखिल होके कुछ नहीं लूटा। मगर इसी नादिर शाह ने यहाँ से मौलाना अबुल हसन शाह वापस चले गए हिरात में, और नादिर शाह दिल्ली गया, और दिल्ली को उसने तीन दिन तक लूटा है के फना फातिया कर दिया। मगर यहाँ मौला का हुक्म था, जमात की ताकत और तस्बीह देखो, हर जमाने के अंदर जब शाह और पीर का जौमा जुदा जुदा होता है, जैसे कि मौलाना हसन अली शाह इमाम थे और उनके फर्जंद मौलाना अली शाह के पास पहले पीरी जौमा था, हसन अली शाह माँ बाप की वफात के बाद साहिबी जौमा भी आ गया, तो मौलाना अली शाह ने अपने फर्जंद शाहबुद्दीन शाह को पीर बनाया। शाहबुद्दीन शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे, बड़े भाई माजुदी। शाहबुद्दीन शाह 22 बरस के थे और माता सलामत यानी सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ की शादी को 20 बरस हो गए थे, 20 या साढ़े 20 बरस, 20 के ऊपर मगर 21 पूरे नहीं हुए थे, 21 बरस हो गए थे। माता सलामत को बच्चा नहीं होता था, एक मतरा लड़का था शाहबुद्दीन शाह पीर, माता सलामत को बच्चा नहीं होता था, और माता सलामत शमसुल मुल्क उनका नाम था, वो नादिर शाह दुर्रानी के बाद फतेह अली काचार जब शहनशाह हुआ, फतेह अली काचार की बेटी की बेटी थी, यानी फतेह अली काचार शमसुल मुल्क का नाना होता था। उसकी 6 बेटियां थी, एक बेटी उसने हसन अली शाह माँ बाप को दी थी जिनका नाम मरियम खातून था, और बीबी मरियम खातून को जब शाह खलीलुल्लाह गुजर गए तो उसके बाद मरियम खातून इस्माइली बनी, कोई भी इमाम की घरवाली इस्माइली नहीं हो सकती जब तक के इमाम की इमामत मौजूद है, यानी इमाम की जाहिरी शरीरिक हयाती होती है तब तक वो इस्माइली नहीं हो सकती, अगर वो इस्माइली बने तो हजरत इमाम की रूहानी बेटी बन जाए, इसके लिए इमाम इस्माइलियों के साथ शादी नहीं करते। मगर जब उनकी वफात होती है और बेटा इमाम बनता है तो फिर वो इस्माइली बन जाती हैं। मौलाना शाह खलीलुल्लाह की घरवाली बीबी मरियम खातून वो उसकी बहन की लड़की थी, और मौलाना हसन अली शाह के घर में अपनी बेटी दी, और मौलाना अली शाह के घर में बेटी की बेटी दी, दूसरी बेटी की, तीनों के घर में शहनशाह की बेटियां थी। बीबी मरियम खातून को पीरी जौमा मिला, और हिंदुस्तान में हसन अली शाह माँ बाप ने भेजा था, कच्छ में झगड़ा हुआ था उसको निपटाने के लिए। पीर माता सरकार, हमारी पीर की पुठियों में जो नाम है वो हसन अली शाह माँ बाप की माँ थी। मौलाना अली शाह माँ बाप की घरवाली बेगम आलिया शमसुल मुल्क को बच्चा नहीं होता था, 20 बरस हो गए, इस्नाशरी मजहब पालती थी, बड़ी आबिद थी, शायद आप में से किसी ने देखा हो, मैंने तो छोटी उम्र में माता सलामत के पास भी गुजारी और उनके हाथ से बड़ी ये खाने पीने की चीजें भी ली हैं। बहुत इलम वाली औरत थी वो, 20 बरस हुए बच्चा नहीं होता था। ये हाजी अली बैठे हैं, इसके बाप का नाना था, हाजी अली के बाप का नाना, हाजी अली की दादी का बाप कमरिया हाजी, हसन अली शाह के जमाने से वो इमाम के घर की सेवा करते रहे। कांडी मोहल्ले के अंदर मौलाना हसन अली शाह इमाम, मौलाना अली शाह पीर,
शाह पीर दोनों जमात के अंदर आए हैं और जमात के कामकाज हो रहे हैं। भाइयों में से एक भाई खड़ी हुई और पीछे से आके उसने कमड़िया हाजी के कान में कहा कि मेरी सेठानी है, इसको बच्चा नहीं होता, मौला को अरज करो, दुआ फरमावे। कमड़िया हाजी ने पीर अली शाह माँ बाप को कहा कि एक भाई है, उसको औलाद नहीं होती, फरमाया बुलाओ। तो ये नौकरानी वापस पीछे गैलरी है उधर से निकल के बाइयों में गई और अपनी सेठानी को लेके आई। सेठानी ने यहाँ तलक घूंघट निकाला, नजदीक आई, मौलाना हसन अली शाह के सामने आके घुटनों के ऊपर बैठ गई, नमन किया। कमरिया हाजी, क्या खुदावन, इसको 20 बरस हुए बच्चा नहीं होता, आप मेहरबानी करो। फ्रूट का थाला मंगाया, उसमें से एप्पल उठा के उसको कहा कि तुम पछेड़ी का छेड़ा फैलाओ। उसने पछेड़ी का दामन फैलाया, मौला ने उसके अंदर एप्पल रख दिया, सिर पे हाथ रखा। नौकरानी को कहा तेरी सेठानी को बोल हर रोज जमात खाने जावे, ये पछेड़ी उतार के जमात खाना साफ करे, पछेड़ी से जमात खाना साफ करे और फिर ये पछेड़ी पहन के घर जावे, इस पछेड़ी को धोना नहीं, इसी तरह से रहने देना, इंशाल्लाह एक बरस के बाद बेटा आएगा। आमीन। आंखों हाथ लगाया, नमन किया, सेठानी भी गई, नौकरानी भी चली गई, मगर जब बाइयों के अंदर गई तो वो सीधा दादर उतर के नीचे चली गई, बैठी नहीं। कमरिया हाजी, अले खुदा, बाइयों में मुखियानी को पूछो ये औरत कौन थी, क्योंकि उसने तो छेड़ा निकाला हुआ था और वो जमाने के अंदर औरतें जब कभी मर्दों के अंदर जावे तो पहले तो जाती नहीं थी मगर छेड़ा निकालती थी। हाजी कमरिया गया मुखियानी माँ के पास, मौला पूछनता की बाई केर हुई, मुखियानी ने बोला मुझे पता नहीं, कमरियानी को पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा, पता नहीं, आया वापस, खुदावन पता नहीं वो बाई कौन थी, हम तुमको बोले तुम तपास करो वो बाई कौन थी, कौन सी औरत थी, वो किसकी बेटी है, कौन सी फैमिली की है। हसन शमा बाप का वारा बड़ा गुस्से वाला था, भाग के गया नीचे, नीचे जाके पता लगा के नीचे उतर गए तो इसके मन में कि शायद नीचे बैठी होंगी। नीचे आके तलवाश की, वॉलंटियरों ने कहा कि हाँ ये दो भाइया अभी अभी गाड़ी में बैठ के चली गई, किधर गई, ये साइड में गई, सरकार की गाड़ी खड़ी थी बैठा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी वो जमाने में मोटर नहीं थी, मौला के घोड़े दो घोड़े की गाड़ी जैसे कि कैडिलाक भागती हो गए, भगाया उसके पीछे पीछे नेस्बिट रोड की तरफ, दूर से उसको वो गाड़ी नजर तो आई, काफी फासला हुआ, भागते 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 वो गाड़ी वाड़ी में चली गई, वाड़ी के अंदर गए तो गाड़ी गुम, पता न लगे, अरे घोड़े की गाड़ी अंदर जावे तो बाहर तो निकलनी चाहिए अगर किराए की गाड़ी होवे, लेकिन वो गाड़ी भी अंदर चली गई। हाजी कामड़िया गए स्टेबल की तरफ तो उनको जो ये सब जुस्तजू करने से जो न्यूज मिली, हाजी कामड़िया तो खड़े रह गए, विचार करने लगे, माने नहीं, बोले नहीं ये क्या हो सकता, ये कैसी बात करते हो। उनको न्यूज ये मिली कि हसन अली शाह माँ बाप की बहू जो अभी आप बोलते हो ना तपास करते हो वो बहू थी और नौकरानी, नौकरानी में से उनकी जो ऑर्डरली है उसको बुलाया, नौकरानी वो इस्माइली थी, उसको पहचान गए क्योंकि वही थी। तेरे साथ कौन आई थी, तेरी सेठानी कौन, बीबी सरकार, क्या बात करती है, हाँ कमरे साहब बीबी सरकार, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बीबी सरकार के पास जा सके, लेकिन वो बोल बैठी कि ये बीबी सरकार थी, समझ नहीं आई इस नाशरी मजहब पालती है जो मत खाने के अंदर आके अपने ससुरे के पांव पड़ी बेटा मांगने के लिए, हैरान हो गए। अरे ये गाड़ी जब तक वापस ना जावे शापीर उधर से निकल नहीं सकते, बैठ के आया वापस कांडी मोहल्ले, मौला को अरज की, हसन अली शाह माँ बाप हंस के फरमाए हाजी कमड़िया मुझे मालूम है, उसने जब वो हाथ निकाला तो उसकी अंगूठी वो थी जो मैंने शादी के ऊपर दी थी, मैं तो पहचान गया लेकिन तुझे बताने के लिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन सरकार वो तो इस नाशरी अंदर अंदर, उसको मालूम है इमाम कौन है, उसको मालूम है मेरे दादा ने आंख से देखा हुआ है, मता सलामत वाड़ी के जमात खाने में जावे दोनों साइड के ऊपर भैये यानी नौकर
रामू बोलते ना आप लोग चौकीदार, उधर भैया कहते हैं, उनको खड़ा कर दे रहे कि कोई मर्द आदमी ना आवे। माता सलामत वाड़ी के जमात खाने में जावे, वही जमात खाना जो आज भी है उधर, अभी रिनोवेट हो गया मगर वही जगह सेम जमात खाना। माता सलामत पछेड़ी निकाले, बारियां साफ करे, कांच साफ करे, पाट साफ करे, जमीन की चटाइयां साफ करे, सारा जमात खाना खुद अकेली अपने हाथ से साफ करे, पछेड़ी पहन के बंगले चली जावे, बंगला सामने ही। एक महीने एक बरस के बाद हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का जन्म हुआ। ये जमात खाने की ताकत है, जमात खाने की ताकत, गत गत की ताकत बहुत बड़ी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को उसकी माँ ने जमात खाने में पछेड़ी से सफाई करके लिया है। 20 बरस तक औलाद नहीं होती थी, औलाद चाहिए इस जमात खाने से मिलेगी, दौलत चाहिए इस जमात खाने से मिलेगी, तंदुरुस्ती चाहिए यहाँ से मिलेगी। कौन सी चीज चाहिए आपको? दुनिया की हर अच्छी बात जिसमें किसी की दुश्मनी, किसी की खराबी और बदनीयत नहीं होवे, वो तमाम ताकतें यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आओ यहाँ से मिलेगी। जमात बहुत ताकत वाली है, उसमें 2 आदमी होवे के 10 आदमी होवे, आप ये समझते हो कि ये आप 500 जने बैठे हो इधर, बस यही जमात खाना है। इस जमात खाने के अंदर रूहानियां मौजूद है, रूहें आती हैं। आपके माजी प्रेसिडेंट राय शमसुद्दीन अहमद मोहम्मद वो बैठे हैं, इनकी माँ इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के पास एक बीमारी थी, उसके लिए अर्ज करने गई कि खुदावन मैं जमात खाने नहीं जाती ये बीमारी की वजह से। बाबा फरमाया जाओ, कोई हरकत नहीं, लेकिन घटपाट के पास नहीं जाना, घटपाट के पास नहीं जाना। तुम्हें मालूम नहीं जमात खाने के अंदर और खसूसन घटपाट के पास फरिश्ते बैठे होते हैं, रूहानियां होती हैं। तो खुदा उनमें न्याज कैसे पीऊं? किसी औरत को, लड़की को, वॉलंटियर को, उसको बोलो कि तुमको प्याली दे जावे, जमात खाने जाओ लेकिन घटपाट के पास नहीं जाना। जमात खाने के अंदर फरिश्ते और रूहानियां आती हैं। वो इस्माइली या कोई भी मजहब का आदमी, इस नाशरी होवे, बोहरा होवे, सुन्नी होवे, या कोई क्रिश्चियन होवे, हिंदू होवे, जब गुजर जाते हैं उनके दर्जे होते हैं, स्टेजेस होती हैं। अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई, अगर उसको वापस दुनिया में जन्म नहीं मिला, अगर वो फरिश्तों की लाइन के अंदर नहीं गया, तो फिर किधर रहे? वो इसी एटमोस्फियर के अंदर रूहानी बन के रहते हैं। ये रूहानियां इसी तरह से इबादत करती हैं जिस तरह दुनिया में करते हैं हम लोग। इनकी एस्ट्रल बॉडीज रहती हैं जिनको हम रूहानी बदन कहते हैं, और ये फ्लोट करते हैं जिस तरह मच्छी पानी में फ्लोट करती है। इन रूहानियों को दीवारें दरवाजे रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इथरल बॉडी होती है, मटीरियल बॉडी नहीं कि मैटर मैटर को रोक सकता है। ये पेनेट्रेट कर जाते हैं हर चीज में से। ये रूहानियां जो मजहब दुनिया के अंदर पालती रही, वही एतकाद के हिसाब से अपने अपने जमात खानों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, चर्चों के अंदर इनका आना जाना रहता है। करोड़ों ही रूहानियां हैं, ये रूहानियां फिरती हैं, घूमती हैं, और वो लोग अकेले या दुकेले यानी 2-3 मिलके जब भी कोई नेक बात करते हैं, मौला की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो ये आसमान में घूमने वाली फिरने वाली रूहानियां, इन लोगों के लिए टाइम और स्पेस हमारी हिसाब से नहीं होता। कभी ये यहाँ से 10,000 मील दूर वैनकूवर के अंदर होवे और यहाँ कभी उनको आना है तो वो एक पलक के अंदर इधर चली आती हैं, और यहाँ क्या होता है उनको वहाँ खबर होती है। अपने चॉइस के हिसाब से वो अपनी अपनी मंदिरों, मस्जिदों, जमात खानों के अंदर आती जाती हैं। जब भी कोई 2 आदमी अच्छी बात करते हैं तो कोई भी पासिंग रूहानी होती है वो ठहर जाती है, उनकी नेक बातें सुनती है और उनके लिए दुआएं करती है, तेने देवलोक प्रणाम करे। गिनानों के अंदर है कि देवलोक का मतलब ये रूहानियां उस नेक आदमियों को, मोमिनों को सलाम करती हैं, और इसका खुलासा कुरान में भी है, हदीस में भी है। ये रूहानियां भी जमात खानों में आती हैं, जाती हैं।
और जो लोग जमात खाने के अंदर सादिक होते हैं, मोमिन होते हैं, उत्तम होते हैं, उनको मिलने के लिए, देखने के लिए वो भी आती हैं, उनके ऊपर सलाम भेजते हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं। और जमात खाने के अंदर कॉकरोच भी आते हैं, उंदर भी आते हैं कभी कभी। ऐसे बहुत से जमात खाने हैं कि जहाँ बिल्लियां भी फिरती हैं, तो ये कॉकरोच और उंदर और बिल्लियां आ जाने से कोई मोमन नहीं बन जाती। अच्छी नीयत वाले लोग जमात खाने में आते हैं, बदनीयत लोग भी आते हैं। बाज ऐसे लोग के जमात खाने में नहीं आते, कभी कभी आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए या बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए। यहाँ नहीं होगा ऐसा, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सी जगहों के अंदर मैं घूमता रहता हूँ। मैं आपको जो कुछ भी कहता हूँ उसके पीछे मेरे कोई एविडेंस होता है। जमात खाने के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो जमात खाने की बेअदबी करते हैं। हज़रत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जमात खाने के अंदर एक वो लोग आते हैं कि जो अपने गुनाहों को मुआफ करते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं, है मौला मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तू रहीम, रहम और रहीम बादशाह है, मुझे तू बख्श दे, मुआफ कर दे। दिलों के अंदर रोते रहते हैं, आजिज़ी करते रहते हैं, उनकी आंखें भीनी रहती हैं, बदन कांपते रहते हैं मौला के डर और खौफ से। वो यहाँ आके अस्तगफरुल्लाह करते रहते हैं। मुझे सैयद मुश्ताक अली दीदार अली थे, जो मौलाना हसन अली शाह के जमाने से थे, और बॉम्बे वाले लोग सैयद मुश्ताक अली दीदार अली को जानते हैं। मेरा निकाह उन्होंने पढ़ाया था, सबका निकाह लगभग वही पढ़ाते थे। मैं उस बुढ़े के पास रोज जाया करता था। एक दिन मैं न जाऊं तो मुझे ढूंढते थे। मैं उनके साथ शरारतें भी करता था, उनकी मैंने लकड़ियां भी खाई हैं, मैंने उनके बूट साफ किए हैं, मैंने उनके कपड़े भी साफ किए हैं, उनके बर्तन भी साफ किए हैं। मेरे वो बाप नहीं लेकिन दादा जैसे थे, बड़ी मोहब्बत रखते थे। उसके पास मैं बहुत बैठा करता था और मौलाना शाह खलीलुल्लाह शाह हसन अली शाह अली शाह, इनकी वो मुझे बातें सुनाया करते थे। मैंने बहुत सी चीज लिखी हुई है। वो मुझे कहते थे, अबू अली जब तुम जमात खाने के अंदर जाओ, है जिंदा जरूर बोलना, क्योंकि खुदा है वो हय्युल क़य्यूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हय्युल क़य्यूम। ये हय का मतलब जिंदा, जीता है जिंदा। और उधर के लोग जो जमात खाने में पहले से बैठे हैं, कभी कोई नहीं है तो रूहानियां जवाब देती हैं, कायम पाया। हमारे पीर कहते हैं कि अगर तुम है जिंदा बोलोगे तो तुमको हाथी मौला के रस्ते में तुमने दान किया इतना सवाब मिलेगा। है जिंदा कहता हस्ती नुदान, कायम पाया कहता दान तुरिंग, तुरिंग घोड़े को कहते हैं। अगर तुमने कायम पाया कहा तो तुमने घोड़ा मौला के रस्ते में चैरिटी में दिया, इतना सवाब तुमको मिलेगा। मैंने कहा जी जरूर कहूंगा। फिर जब तुम अपनी जगह पे बैठ जाए तो कम अज कम 40 दफा अस्तगफरुल्लाह जरूर पढ़ना। रहमत मौला की मैंने कभी नहीं छोड़ा, जब भी जमात खाने आऊं है जिंदा कायम पाया पुकार के जब मैं जगह पे बैठूं दुआ करा के, मैं अस्तगफरुल्लाह रब्बी व तूबु अलैह, ए मौला सारा दिन गुनाह करता रहा। बस ऐसे गुनाह भी हुए जो मुझे मालूम नहीं कि गुनाह है। ए मौला तू बादशाह है, मैं कमजोर हूँ, जानबूझ के भी शायद कुछ चीजें कर दी हैं, बख्श दे मुझे, मुझे तौफीक दे कि मैं गुनाह ना करूं, लेकिन मैं नापाक कमजोर अधूरा हूं। तो ये सब कहते हैं जरूर 40 दाने गुनाहों की मुआफी के लिए अस्तगफरुल्लाह के पढ़ना। जमात खाना है, मौला की मुलाकात के लिए आए हो, इधर लंबे पांव करके बैठते हो, आपको मालूम नहीं इसके लिए आप कभी लंबे पांव कर लेते हो, कभी जमात खाने की और भी बेअदबियां हो जाती हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो नापाक होते हैं और जमात खाने में आते हैं, बराबर नहीं, उसकी हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। बहुत सी हमको सजाएं इसलिए मिलती हैं कि हम इमाम की बेअदबियां करते हैं और खसूसन जमात खाने की बेअदबियां। ये घर के जहां झाड़ू निकाल के अपनी पछेड़ी से एक इमाम की माँ अपने बेटे को 20 बरस के बाद दुआ लेके मांगे, उस जमात खाने की हमको कदर मालूम नहीं, हमें पता नहीं है कि जमात खाने का दर्जा क्या है। वगरना हम इस जमात खाने से अंदर डरते रहने, इसका बहुत अदब रखो, बहुत। और 24 घंटा जमात खाना पाक है। हज़रत इमाम ने मना किया हुआ है कि जिस जगह तुम बैठ कर इबादत करते हो, जैसे कि ये बाज ऐसी जगहों के ऊपर थोड़ा जमाना बदल गया। मैंने आपको अपनी एक आवाज में कहा ना, हम लोगों की आदत हो गई है
कि हमको क्या सूट होता है, मजहब की वो चीज जो हमको सूट नहीं होती उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ लो, छुरी लेके थोड़ा काट डालो, छील 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 के अपनी पॉकेट में घुस सके इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। मजहब ये नहीं, मजहब को अपने पीछे मत लगाओ, खुद मजहब के पीछे लगो। कभी एक भी मुरीद रहा, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, एक भी मुरीद रहेगा मेरा मजहब कायम रहेगा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। हमको संख्या की जरूरत नहीं, हम इस्माइलियों ने कभी भी संख्या की तरफ नहीं नजर दौड़ाई, कभी नहीं, हमने हमेशा क्वालिटी ढूंढी। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, यूरोप अमेरिका के अंदर कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, और वहां भी जो लोग गए हैं ऐसे गैर कौम के लोग, यूरोपियन हैं, निगरोज हैं वहां के, और भी दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं इस्माइली मजहब में दाखिल होने के लिए। कई ऐसे लोग जो पर कौम के साथ शादियां करते हैं, उनको इस्माइली मजहब में आने के लिए टाइम लगता है, तकलीफ होती है। क्यों? हमको क्वांटिटी बढ़ाने का कोई शौक नहीं, कोई नहीं, हमको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी हमारे अंदर पहले पैदा होनी चाहिए, फिर हम दूसरों को यहां लेके आवे, फिर लेके आवे। जमात खाने का दर्जा और जमात की ताकत बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ा आदमी मशहूर है, मैं कभी नाम दूंगा तो आप में से आधी जमात जानती होगी, बॉम्बे के अंदर मौलाना हजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में वो माँ बाप का बड़ा मानी था, जैसे आज सर इबू है। हर दफा मौला जब हिंदुस्तान में आवे तो उसके घर पे सब मेहमानी खाने के लिए जावे, और सचमुच साहब एक आध लंच भी खावे या डिनर खावे, मेहमानी लेवे, दुआ सीख देवे, सारी फैमिली के साथ बैठे। मुखी हसन लाल जी देवराज दरखाने जमात के मुखी, उसकी और उसकी बनती नहीं थी। बहुत दफा ऐसा होता है जमात के ऑफिसरों की बनती नहीं, उसमें नुकसान जमात का होता है, लेकिन उन दो ऑफिसरों के ऊपर इतना गुनाह चढ़ता है कि उसकी सजा उनको उस वक्त मिलती है कि जब वो होदे में से निकल जाते हैं, उसके बाद मौला पकड़ता है, और मौला पकड़ता है बहुत, किसी को नहीं छोड़ता। हम किसी दुनिया वाले आदमी को थोड़ी सी ब्राइब कर दे, लेकिन मौला के सामने ब्राइब नहीं हो सकती। हाँ, उसके सामने आजिजी हो सकती है, तौबा हो सकती है। हसन लाल जी देवराज के साथ बनावट नहीं थी, जमात खाने नहीं आता था, दसवंत भी नहीं देता था। साहब उसके घर गए, उसकी औरत बड़ी मोमिना थी और दिल में जलती थी कि मेरा हसबेंड ऐसा है। उसने मजहब की कुछ बात निकाली, इसमें से साहब ने फरमाया, देखो दुआ और दसवंत ऐसी चीजें हैं कि उसके बगैर तुम्हारा ईमान कभी टिक नहीं सकता। दसवंत दोगे और दुआ नहीं पढ़ोगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ईमान चले जाएगा। दुआ पढ़ोगे, दसवंत नहीं दोगे तो भी आस्ते आस्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। और जमात खाने के अंदर नहीं आओगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ईमान चला जाएगा। भले तुम दसवंत देते हो, दुआ भी पढ़ते हो, लेकिन जमात खाने के अंदर तुम नहीं आओगे, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। माँ बाप की ये फरमान सुन के उसके दिल के अंदर असर हुआ, प्याला भर के पानी का लेके आया। माँ बाप समझ गए, सफर माया क्या है वारस, खुदावंद मैंने दो बरस से दसवंत नहीं दी, दो बरस से मैंने दुआ नहीं पढ़ी, आप मुझे मुआफ कर दो, ये हमारा काम नहीं, ये मुखी का काम है, तुम जमात के पास जाओ, ये जमात की चीज है। मौला तो दिल को जानता है ना कि तू क्यों मुझको कहता है जमात खाने क्यों नहीं जाता, क्योंकि मुखी के साथ बनती नहीं, और मुखी के साथ नहीं बनती थी कमर या कासम अली के साथ भी नहीं बनती थी। खुदावंद आज आप मेरे घर पे हो, आज मेरे मेहमान हो, मेरे ऊपर आप रहम करो। सब फरमाया नहीं वारस, ये हमारा काम नहीं, ये जमात का काम है, तुम मुखी कमरिया के पास जाओ, खुदावंद आप जो हुक्म करो। ऐसा अच्छा, 1,35,000 रुपया लाओ। साहब ने कहा कोई ये फिगर बोली, मगर वो फिगर बिल्कुल बराबर थी, इतने उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, दे सकता था। तौफीक थी, वो क्या समझा कि हजर इमाम 1,000-2,500 रुपया लेके मुझे बख्श देगा। माँ बाप ने 1,35,000 रुपए की बात की तो ठंडा हो गया। सब हंस के कहते हैं, देखो
तुम जमात खाने में जाओ, मुखी दो पैसे लेके तुमको छांटा देगा, वल्ला कयामत तलक माफ है। तुमने वो गिना नहीं पड़ा, गत न कया नरजी माने महदिन मा नहीं पूछा है। सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक से बहुत दफा हम गिनानों की रेफरेंस सुनते थे, बहुत दफा। या शाह जी, किल धर्म हस्ती पाप सोगत मिली ने चुका दे, जीरे भाई गत मिली ने चुका न कया नरजी माने गत न कया नरजी माने महादिन में नहीं पूछा अंत मौला जाने जी। अनंत खड़ा 505 का है, ऐसा मीठा है इसका कभी आप मतलब समझो और बोलते रहो तो बदन के 3.5 करोड़ रुआटे खड़े हो जाने। कमड़िया हाजी का एक लड़का था, गुजर गया 20-21 साल की उम्र के अंदर। बहुत दुख हो गए, जवान बच्चा बुढ़ी उम्र में गुजर जाए बहुत बड़ी दुख की चीज है, दिल बेचैन हो गए। मौला हाजी कमड़िया के घर गए जामनगर में और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया उसकी औरत को, जन कमड़िया अनंत अखाड़ा पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। देखो अनंत अखाड़ा पढ़ने से बलाएं दूर होती हैं। अनंत अखाड़े के 505 हैं, खुदा न करे कभी कोई आफत बला आ पड़े तो ये मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है कि तुम अनंत अखाड़ा पढ़ो। हम लोग क्या करते थे कि 40 दिन का सतौड़ा डाले घर में, अकेला आदमी जिसके ऊपर खुदा न करे कोई मुसीबत बला आ गई, हाथ मुंह धो के अच्छी जगह पे बैठ के अनंत अखाड़े के 12-15 पाठ हर रोज पढ़ो, 40 दिन के अंदर पूरे करो। कभी 40 दिन के अंदर आप रोज 12-13 पाठ पढ़ो तो 40 दिन के अंदर 500 पाठ पूरे हो जाते हैं और इंशाल्लाह ये 40 दिन के अंदर बला दफे हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, नेक मुराद होगी जरूर पूरी होगी। इसी तरह से इमाम का ये भी फरमान है कि कभी तुमको कोई दुख तकलीफ और गम आ जाए, गम का लफ्ज है उसमें, तो मेरे जंग बार की पहली मुसाफरी के 1899 के जो फरमान है वो तुम रोज पढ़ा करो। सारे फरमान एक ही दिन नहीं पढ़ रहे, यानी पढ़ने मुश्किल है पढ़ो तो बड़े पढ़ो, लेकिन कभी उसके लिए भी आप 7 दिन या 21 दिन या 40 दिन इस तरह से नकी कर लो कि मुझे 7 दिन या 3 दिन के अंदर ये सारे फरमान पूरे करने हैं, तो रोज थोड़े थोड़े ये फरमान पढ़ो। उसके बाद जिस तरह से आप अनंत अखाड़े के 12-14 पाठ पढ़ के फिर एक तस्बीह निकालो मुश्किल आसान की याली की, इसी तरह से मौला के फरमान जंग बार की पहली मुसाफरी के फिर बाद में एक तस्बीह निकालो, सजदे के अंदर सिर रहने दो और सजदे में ही दुआ मांगो, इंशाल्लाह मुश्किल दफे होगी। मौला फरमाया उसको देखो जाओ जमात खाने में, मुखी तुम्हारे पास से 2 पैसे लेके छांटा दे देवे, वल्ला कयामत तक मौफ है। फिर तो आना पड़ा उसको जमात में, ये गत का दर्जा है। संभड़ो मोमनो वेदनी वात, ए भाई बहस्तनी कुंची अपना
सतगुरु ने हाथ है जी सतगुर सो मन दृढ़ करी लावो सतगुर ताला खोले मोमन बहस्त में जावो। वेद कहते हैं नबी के मुंह से निकला हुआ कलाम संस्कृत भाषा है। वेद का मतलब गुरु ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ कलाम। और तीसरा दिन कहते हैं गुरु ब्रह्मा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी वेद का मतलब कुरान है। जहाँ जहाँ भी हमारे ज्ञानों के अंदर वेद आता है, अथर वेद तो भनी है कुरान भाषा है, लफ्ज इसके लिए हमको लगते हैं। ज्ञानों में हिंदुयत नहीं है, हिंदू मजहब नहीं, सनातन चीज है। सनातन कहते हैं एंशंट को, पुरानी चीज को। और संस्कृत भाषा है, इसके लिए हमको ऐसा लगता है। अगर ईश्वर कह देवे तो क्या हिंदू हो जाएगा? ईश्वर खुदा को कहते हैं। आप किसी इंग्लैंड में जाके आदमी को बोलो डू यू बिलीव इन ईश्वर, व्हाट इज ईश्वर? आप उसको बोलो गॉड, ओह यस आई बिलीव, तो वो ईश्वर का शब्द नहीं समझेगा, उसको गॉड कहो। तो हमारे ज्ञानों के अंदर हिंदू मजहब की चीजें नहीं, अलबत्ता हिंदू मजहब के हिसाब की बहुत सी चीजें कि जो इस्लाम के साथ टैली करती हैं, हैं। जिस तरह इस्लाम के अंदर हज, मुसलमानों से पहले काफर लोग भी हज करते थे, तो आज इस्लाम वालों ने हज ले लिया तो कुछ काफरों का काम नहीं किया। अरे मोमिनो, कुरान की बात सुनो, बहश्त की जो चाबी है वो सतगुरु के पास है, तुम्हारे पीर मुर्शिद के पास है। गत माहे गुर नर बहश्त लुटाई, गत के अंदर जमात खाने के अंदर वो बहिश्त जिसका ऊपर जिक्र किया है, कहते हैं कि वो गत के अंदर लुटा दी है। क्या लुटाई? बहिश्त किस तरह से लुटाई? तुमने घंटे से मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको अभी अपना मैगजीन याद नहीं आता, बैंक बैलेंस याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता, आता ये बहिश्त है। हम लोग बाहर निकल गए दुनिया से, इस नूरानी वातावरण के एटमोस्फियर के अंदर हम आ गए, बाहर की दुनिया भूल गए। यहाँ आके फ्रस्ट्रेटेड आदमी भी शांति पाते हैं, अगर सिद्दक दिल से आते हैं इस नूरानी वातावरण के अंदर कि जहाँ नूर की बारिश होती है, इसके अंदर आके हमारे दिल राहत पाते हैं, राहत पाते हैं। ए यारा नूर शाह जो गतिया में वारसे हो, एक एक चीज हमारे गिनानों में मौजूद है, उसके पास ढूंढने चाहिए। ए यारा नूर शाह जो गतियों में वारस्यो वर्स्यो जल थल जल थल मैयार लो। लिंग्विस्टिक लोग हैं वो गिनान पढ़ के मजा उठाते हैं। मजा उठाओ, चीज पनीर है मुंह में डालो, अच्छी क्वालिटी का चीज खाया नहीं जाता, वो चॉकलेट की तरह अंदर च्यू करो, दांतों से मत खाओ चीज को, च्यू करो, उसके एक एक इंग्रेडिएंट से आपको स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। गिनान भी ऐसे ही है कि गिनानों को सुनो, मोमन उन गिनानों के अंदर मस्त हो जाते हैं, मौला का नूर गतियों के अंदर बरसता है। किस तरह बरसता है कि जैसे बहुत हैवी रेन हो गए, जल थल कर देवे। हैवी रेन में क्या होता है, सारी वनस्पति धोई जाती है, धूल मिट्टी धोई जाती है, सब कचरा बचरा निकल जाता है, जमीन क्लीन पाक साफ और फ्रेश हो जाती है। ऐसा ही मोमिनों के दिल भी क्लीन पाक साफ फ्रेश हो जाते हैं। मोमन उदास उदास जमा खाने में आता है, इबादत बंदगी करके मौला से बातें करके खुश खुश वापस चला जाता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह फरमाया कि एक वो मोमन है, ऐसे लोग मेरे मुरीद हैं कि जो जमात खाने में आते हैं और जमात खाने के अंदर आके इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, उनके गुनाह बख्शे जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो उल्टा गुनाह साथ लेके जाते हैं, बख्शने की बजाय साथ ले जाते हैं। मुखी कांवड़िया के साथ झगड़ा कर लिया, किसी मोमन के साथ झगड़ा कर लिया, कोई नांदी वाले के साथ झगड़ा कर लिया, कुछ जमात खाने की बेअदबी कर दी, नियत खराब कर दी,
नजर बंद कर दी, निंदा कर दी, कुछ और कर दिया, ऐसी हमारी हजारों बातें हो जाती हैं जिससे हम गुनहगार बनते हैं, बजाय इसके कि हमको नफा मिले, हमारे गुनह मुआफ होवे, हमको मौला की बरकत मिले, दुआ आशीष मिले, रहमत मिले, उसके बदले में हम इधर जमात खाने के अंदर गुनाह के काम करके डबल गुनहगार बन के जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सब्जली बहुत दफा कहा करते थे, कहते जमात के अंदर चार जात के आदमी हैं, एक आती, आती यानी रोज आने वाले, एक जुमेराती जो सिर्फ जुमेरात जुमेरात को आते हैं, तीसरे चंद्राती जो सिर्फ चंद्रात को आते हैं, चौथे मन भाती, मन भाती जब मन आया तभी जमात खाने में आ गए, या किसी का समर मंडाना हो गए तो चले आए। मगर वो लोग जो हर रोज जमात खाने मोहब्बत और समझ के साथ आते हैं, गत में उनको आके फायदा मिलता है, है जिंदा कहो तुमको शाहपीर का दीदार मिलता है जमात खाने के अंदर, और सचमुच जमात के अंदर शाहपीर का दीदार है। और हमेशा कोशिश करो दो पांच मिनट दुआ से पहले आओ, इधर बैठ के तस्बीहें निकालो। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको कोई दुख नहीं, जिसकी कोई मुराद नहीं, जिसकी कोई आशा और उम्मीद नहीं, ऐसा दुनिया में एक भी आदमी नहीं। शायद वो कि जो हॉस्पिटल के अंदर अनकॉन्शियस कोमा में पड़े हुए हैं उस बेचारे की और बात है, या मर गए हैं उनकी और बात है, मगर दुनिया में सबको प्रॉब्लम है। अंदर आके अपनी जगह पे बैठो, अस्तगफरुल्लाह 40 दफा पढ़ो, फिर आपको जो कुछ भी मांगना है आप मांगो। आप ऐसा समझो कि मौला सामने बैठा है, उसके साथ बात करो, दिल में मौला सामने बैठा है जिस तरह मेहमानी में आके बैठा है, और आप उसके साथ बात करते हो, इस तरह से बात करो, या मौला आज एक सुबह ये फलाने आदमी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मेरे मुंह से कुछ बदसुखन निकल गया, मैं माफी मांगता हूँ या मौला। अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी भूल को याद करो और फिर उसकी मुआफी मांगो। कभी हर रोज ये एटीट्यूड रहेगा आपका तो मैं अपनी पर्सनल जीवन के अनुभव से आपको बोलता हूँ, बहुत बहुत खुश हो गए, उसमें से जो आपको कुछ मिलेगा बहुत खुश हो गए, बहुत फायदा मिलेगा, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। मुखी कामड़िया के पास आके हाँ हाल गुजारते हैं, गत में आवी ने विदा मारा कर जोड़ी ने रही है, कर जोड़ी यानी हाथ जोड़ के रहो, यानी अपना आके इधर हाल गुजारो, कि मैंने हाल गुजारने का मतलब कन्फेशन करना, तौबा तौबा बंधु गुनहगार, गत बख्शे शापीर बख्शे। हम क्रिश्चियनों की तरह मुखी कामड़िया को जाहिर नहीं करते कि मैंने किसी की चोरी की या मैंने ये फलाना गुनाह किया, ये नहीं, कन्फेशन ये है मैं गुनहगार हूँ, मुझे इस चीज के लिए फीलिंग रियलाइजेशन है कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तौबा करता हूँ या मौला गत बख्शे। मुखी बोलती है नियत मुराद खाना वदान, ये खाना वदान इमाम की तरफ से दुआ आशीष मिलती है। अपनी जगह पे बैठ के तस्बीह निकालो, दुआ का वक्त होवे दुआ पढ़ने वाले के साथ साथ दुआ पढ़ो तो आपका ख्याल भी दुआ के अंदर रहेगा, और दुआ का मतलब समझने की कोशिश करो हर सजदे के अंदर। जब आप सजदा करो तो यही आप अल्लाह के नूर को सजदा कर रहे हो, हजर इमाम हाजर मौजूद है ये समझ के सजदा करो। और जिस वक्त इमाम की पुठियां आवे जैसे कि रब हक मौलाना अली, मौलाना हुसैन, मौलाना जैनुल आबदीन, तो आप हर नाम के साथ अपने मन में सलवात पढ़ो। बोलने वाले ने मौला अली का नाम लिया, सलवात लंबी चीज है, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद, इतना पढ़ोगे तो दो तीन नाम निकल जाएंगे, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। जब इस दुआ पढ़ाने वाला बोले बहक के मौलाना अली, आप बोलो अलैहिस्सलाम, मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम, मौलाना जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम सलवात का शॉर्ट फॉर्म है, ब्रीफ। 49 इमामों के नाम आवे, आपने 49 सलवातें पढ़ी, आपको इसका भी कितना बड़ा अजीम सवाब मिले, बहुत ध्यान भी रहे, आपको दुआ में इतना मजा आएगा, इतनी खुशी आएगी कि बात छोड़ दो, बात छोड़ दो। इस जमात खाने के अंदर जितना भी टाइम निकालो कुछ ना कुछ जिक्र करते रहो, सलवात सबसे आला जिक्र है। सलवात का मतलब मौलाना हजर इमाम की हम मेहमानी करते हैं, जिस तरह जाहिर की खाने पीने की मेहमानी है, ऐसा रूहानी मेहमानी सलवात है। दुरूद या अय्युहल लजीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, ऐ ईमानदार लोगों के तुम उसके ऊपर सलवात पढ़ो और उसका हुक्म मानो, तस्लीम करो। इन्नल्लज़ीन इन्नल्लाह व मलाइकतो
अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, नबी के ऊपर अल्लाह और फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं, तुम भी उसको सलाम करो और उसका हुक्म मानो, ये सलवात है ये सलाम है, बहुत सलवात पढ़ो। जमात खाने के अंदर ये हीरे मोती, ये नूर की बारिश का जो मैंने जिक्र किया, इन चीजों के अंदर जो मौला की तरफ से हमें बख्शीशें मिलती हैं, कितनी बख्शीशें, खाना वदान की बख्शीश मिले, हम तस्बीहां निकालें उसकी हमको बख्शीश मिले, और फिर हमको जमात खाने में जुरा मिलता है। आज मैं आपको जुरे की बाबत बताऊं कि जुरा कभी भी किसी आदमी की तरफ से नहीं होता। अगर एक आदमी उठ के आवे मुखी कामड़िया के पास, मुखी साहब मेरी उम्मीद है कि मैं आखी जमात को जुरा खिलाऊं, भले, तो मुखी कामड़िया उस आदमी की तरफ से जुरा जो जमात को देते हैं, तो वो आदमी की तरफ से जमात को जुरा नहीं है, उसने वो थाला या वो ट्रे जो जुरा बांटने के लिए आई, मानो के बिस्किट है या पीपी है कुछ भी, उसने ये सारी चीज हाजिर इमाम को मेहमानी कर दी है, ये शाहपीर की मेहमानी है, और शाहपीर फिर जमात को जुरा देता है। अरबी जबान के अंदर है जुरा, जुरा क्या कहते हैं, आप पानी के अंदर हाथ डाल के आपकी उंगलियों में से जो टीपे निकलते हैं इसको जुरा कहते हैं, थोड़ा सा पेटिट, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ा सा, इसको जुरा कहते हैं, ये अरबी जबान है, इसमें से हमने उसको जुरो बना दिया। जुरा हमेशा शाहपीर की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। अगर मुखी का मड़िया भी अपनी पॉकेट में से खर्च करके कभी जमात को जुरा देते हैं, तो वो मुखी कांवड़िया को हाजर इमाम की मेहमानी का सवाब मिलता है, जमात को जुरा हाजर इमाम देता है, जुरा हाजर इमाम की तरफ से। आप मौला के पास ले जाओ मेहमानी, मौला खावे तो फिर आपको भी थोड़ा सा देवे, ये जो थोड़ा सा देवे ना इसको जुरा कहते हैं, मौला की तरफ से हमें जो बख्शीश मिले उसको जुरा कहा जाता है, खाने पीने की चीज को जुरा कहते हैं, जो शाहपीर देवे। जुरे को बहुत मर्तबे से लो, जुरे की बेअदबी कभी नहीं करना, ये इमाम की तरफ से है। कभी हाजर इमाम आपको अपने खीसे में से कुछ चीज निकाल के देवे, मानो के मौला के खीसे के अंदर से एक पेन निकली और आपको दी, और आप बाहर जाके देखो तो पेन तो बहुत ऑर्डिनरी बिक जैसी है, मेरे पास तो इससे अच्छी अच्छी पेने हैं, आप फेंक दोगे उसको? नहीं, उसको तो कलेजे से लगाओगे, कारण के ये मेरे मौला ने दी है, उसकी मटेरियल वैल्यू नहीं सेंटिमेंटल वैल्यू है। 200 बरस पहले हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा फकीर हुए, आप कभी दिल्ली जाओ तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बड़ी मशहूर है, लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है दरगाह निजामुद्दीन औलिया, सूफियों के अंदर सिलसिले में से एक बहुत बड़े जबरदस्त सूफी थे। इनकी शागिर्दी में, इसकी मुरीदी में एक दुनिया का और मशहूर आदमी आ गया कि जिसने हिंदुस्तान के संगीत को नवा जन्म दिया, और उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बहुत शेर हैं, हिंदी में भी फारसी में भी। हिंदुस्तान के अंदर अमीर खुसरो से पहले तबला नहीं था, तबला क्रिएट करने वाला, इन्वेंट करने वाला ये अमीर खुसरो है। मुर्दंग थी, मुर्दंग यानी ढोलक, जो एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा होता है उसको मुर्दंग कहते हैं। ढोलक वो होता है जिसके दोनों साइड एक जैसे हों, उसको ढोलक कहते हैं, मगर मुर्दंग एक बड़ी साइज एक छोटी साइज। अमीर खुसरो ने इसको काट के दो भाग कर दिए, इसलिए तबले के अंदर एक बड़ा एक छोटा होता है। ये तबला बनाने वाला अमीर खुसरो था, बहुत बड़ा संगीतकार था, बहुत बड़ा कवि था, अल्लाह का बड़ा आशिक था। ये अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द मुरीद बना, सूफी सिलसिले में आया। मैं इसकी सारी वार्ता आज नहीं सुना सकता, मगर मैं जो वाक्य आपको कहना चाहता हूँ कि जुरा क्या चीज है। निजामुद्दीन औलिया ने इसको हुक्म किया कि तुम कलकत्ता जाओ, दिल्ली में रहते थे। कभी इसने अपने मुर्शिद को छोड़ा नहीं था, रात दिन उनकी खिदमत में रहता था और हमेशा उनकी जूतियों के पास बैठा रहे, इतनी मोहब्बत और इश्क और इज्जत थी। जब हुक्म हुआ कि तुम कलकत्ता जाओ तो हाथ जोड़ के कहा, सरकार आमीन, लेकिन आप मुझे अपनी कोई चीज दो कि जो चीज मैं साथ लेके जाऊं। तो इन्होंने अपनी चादर दी उसको, चादर ओढ़ो जाओ। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, चला गया।
कलकत्ता वो जमाने में बहुत छोटा सा था। यारों दोस्तों के अंदर बैठ के सूफी मजहब की बातें हो रही थी, चर्चा हो रही थी, मस्ती आ रही थी। एकाएक खड़ा हुआ, जंप मार के जैसे कोई आदमी को कोई बिच्छू काटे, कोई चीज काट ले, एकदम खड़ा हो गया। बुए पीर में आए, मुझको मेरे पीर की बास आती है। भागा, जिस तरह कुत्ते को बास आती है और उस डायरेक्शन पे जाता है, इसको जहां जहां वो बास आती रही वो भागता रहा। गांव के बाहर गया, एक काफिले में जाके पूछा कि ये काफिला दिल्ली से आया है? बोले हाँ। तुम्हारे काफिले का सरदार कौन है? कि वो बैठा है। तुम लोग दिल्ली किधर किधर गए? कि हम सब जगह गए, लेकिन हमारा सरदार है ना, वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास भी गया था। हाँ, गया उसके पास। उसको कहता है, मेरे पीर की तेरे पास कोई चीज है। तेरे को कैसे पता लगा? मुझे बास आती है, मेरे पीर की बास आती है। गालिब का एक शेर है उर्दू जबान की, जो नूरे मुबीन ने उसके पहले लिखा है। गालिब, नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, दोस्त की आवाज में से मुझे दोस्त की बास आती है। इस नाक की बास का बात नहीं करता हूँ, ये नाक तो बड़ी नकटी है, सर्दी हो जाती है तो बंद हो जाती है, फिर उसको खुशबू दो कि कुछ भी गंदगी चीज दो, इसको पता नहीं लगता। मैं अंदर की बात करता हूँ, मैं इश्क की बात करता हूँ, मैं सूफी मजहब की बात करता हूँ। अंदर से उसको पीर की बू आती है। गालिब, मुझे दोस्त की आवाज में से दोस्त के जिक्र करो ना, दोस्त का नाम लो, शाहपीर का नाम लो, तो शाहपीर की मस्ती आ जाती है, दोस्त की बास आती है। मशगूल हक हूँ बंदगी अबू तुराब में, मैं मौला अली की गुलामी के अंदर पढ़ के अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। यानी उसने अली को अल्लाह बना दिया है। उसको कहा, तूने निजामुद्दीन औलिया के पास से कोई चीज लाए हो, मांगी थी? कहते हाँ, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पाँव के जोड़े दिए, मेरे को दे देना। उसने सोचा, ये जोड़े मेरे किस काम के? वो तो खामखा का था और ये सच्चा आशिक था। अच्छा, क्या दोगे तुम? आप जो मांगो। हंस के कहा, अच्छा कुछ नहीं चाहिए, चले जा। पीर के जोड़े मिले, सिर के ऊपर रख के कलकत्ते तलक पाँव से सिर के ऊपर मुर्शिद के जोड़े रख के आया। ये जुड़ा था, जोड़े हैं, कपड़ा है, कुछ भी है, लेकिन जुड़ा किसको कहते हैं? जो इमाम की तरफ से हमें बख्शीश मिले उसको जुड़ा है। बहुत आला उत्तम चीज है ये। इसके लिए कभी भी जुड़े की बेअदबी नहीं करो, और गैर कौम को, यानी जो इस्माइली नहीं, उसको अपने मजहब का जुड़ा कभी नहीं खिलाना, कभी नहीं खिलाना। जुड़ा बहुत उत्तम चीज है, हमें मालूम नहीं, इसके लिए हम जानते नहीं, लेकिन आज कोई नहीं कह सकेगा कि मुझे जुड़े की बाबत का पता नहीं था। कारण कि जुड़ा हमेशा मौला की तरफ से ही आता है, और जो जुड़ा पाठ के ऊपर आ गया और जमात के अंदर हमने बांट दिया और बच गया, तो बहुत मुखी का मुड़िया घर ले जाते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं ऐसा हो गए। नीचे पड़ा है वो भले घर ले जा सके हो, लेकिन पाठ के ऊपर थाले आ गए और सब जमात को जुड़ा दे दिया और बच गया, उसकी नांदी होनी चाहिए। क्यों? वो शाहपीर की मेहमानी हो चुका है। जुड़ा लाने वाले को शाहपीर की मेहमानी का सवाल है। तो ऐसी ऐसी उत्तम आला चीजें हमें गत के अंदर मिलती हैं, हमको गिनान मिलता है, इलम मिलता है, बंदगी मिलती है, दुआशीश मिलती है। ये हीरे मोती नूर की बारिश की तरह इमाम गत के अंदर देता है। जमात का और जमात खाने का ये उत्तम दर्जा है। इंशाल्लाह सुखी आबाद रहोगे जो जमात खाने की इज्जत रखोगे। मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे, दुश्मन आपके दफा करे, बलाएं आपकी दूर करे। मौला आपको दीन दुनिया के अंदर आपकी चढ़ती करे, आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, आबरू इज्जत तंदुरुस्ती में बरकत देवे। मौला बापा आपको ईमान की औलाद की बरकत देवे। मौलाना हाजर इमाम अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, जहर बातों दीदार नसीब करे है। जितिया जितिया गाव कायता में हारू जी पर।
सतज छांदी जी जन्म दोहा गण होती नारी देव दुनिया मा हुई अवी चारी चारे चारे जुग मा दोहा गण हो सतगुर मिलिया सुहागण सोही जी पांच मिली ने विमरस कीजे खरा खोटा रतन पर खीने लीजे जी दावो करे ते दिन नहीं पावे मुकर मुनाफक दोज के जावे जी साच ना बो लेने झूठ ना मेले जिम जिम सिंगड़िए टूटे छे वेल जी झूठी रे मजलस झूठारे मलिया बेईमानी जीव बहेस्त थी टड़िया जी आद उड़ा दे आ सत पंथ साचो पंथे चढ़ी कोई ना वड़ियो पाछो जी गुरु ज्ञान वेद वाये के चालो साचे मन श्रेवो तो वही कुंठ मालो जी साचे माने जो भगताई कीजे तो वही कुंठ फल अमरा पूरी लीजे जी सत किरिया साच ज बोलो तो गुरगत माजई आप ज खोलो जी पुरुष नारी नु एक छे दर खमिया तो नहीं लागे कर्म जी या तमे दे शो तो आगड़ ले शो नहीं का सुकृत बिना जुरी जुरी मरशो जीवेड़ा छे विखड़ी
गत मैं जय अमीर सपी जो जी मीर माल मन करी दीजे दान जिक्रे जागी कीजे उत्तम काम जी आगम गुरु जी ये बताव्या छे बेद फल छे आनंद करो ने उमेद जी अथर वेद बोले ये प्रभु फल छे पका जाए दिसे छे काचा जी बने पीर इमाम शाह विलंब ना कीजे पके फल अमरा पूरी त्राण त्राण वेद न ध्यावो मुनिवर भाई मोमन महादन आवशे साहेब लेशे हिसाब रे मोमन महादन आवशे त्यारे साहेब लेशे हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब या ना किदा कर्तव्य पूछ शे तेरे या ना किदा कर्तव्य पूछ शे तेरे तोल शे पूनन पाप मौला तोल शे पूनन पाप मौला लेश जरूर हिसाब मौला लेश जरूर हिसाब ए जी पूनन पाप तो क्या तोल शे ने लेखा साचो छे त्यां पुनन पाप तो क्या तोल शे ने लेखा साचो छे त्यां सतगुरु साथे सूदा चलिए हाजर इमाम साथे सुधा चालिए तो जल शे आपनी बार मौला जल शे आपनी बार मौला लेशे जरूर हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब ए जी जालिया नीलाज छे तो आले वही कुठ वास रे बाया जालिया नीलाज छे तो आले वही कुठ वास रे
देखो तेर आगर जे बेस शे देखो तेर आगर जे बेस शे ने बेस शे स्वामी ने पास मौला बेस शे स्वामी ने पास मौला लेशे जरूर हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब ए जी गुनेगारों ने तिया मारशे अने ते पड़शे बहु शोर रे गुनेगारों ने तिया मारशे अने ते पड़शे बहु शोर रे तेने हाथे पागे गाले बेड़ियों तेने हाथे पागे गाले बेड़ियों आनी उबा रखे जम चोर मौला उबा रखे जम चोर मौला लेशे जरूर हिसाब ए मौला लेशे जरूर हिसाब ए जी तिया जख मेघ किन्नर देखशे ने देखशे पंज सत नव बार तिया जख मेघ किन्नर देखशे ने देखशे पंज सत नव बार अनंत करोड़ी देव तिया देखशे अनंत करोड़ी देव तिया देखशे पर कोई न करते निसार मौला कोई न करते निसार मौला लेशे जरूर हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब हे जी बाणे पीर इमाम शाह सुनो मुनिवरो सतगुरु कहे छे साची साख बने पीर इमाम शाह सुनो मुनिवरो सतगुरु कहे छे साची साख सती लोगो सतपंथ सेवजो सती लोगो सतपंथ सेव जो ने जिक्र करो दिन रात मौला जिक्र करो दिन रात मौला लेशे जरूर हिसाब ए मौला लेशे जरूर हिसाब मोमन महादन आवशे त्यारे साहिब लेशे हिसाब मौला लेशे जरूर हिसाब ए मौला लेशे जरूर हिसाब सतगुरु साथे सूता चालिए हजर इमाम साथे सूता चालिए तो जल शे आपनी बाई मौला जल शे आपनी बाई मौला लेशे जरूर हिसाब ए मौला लेशे जरूर
આવશે ગૌદા તે તરણા નહીં ચરે ત્યારે સારે છીકા બાંધશે ત્યારે ડુંગર દીવા